Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rukaiya Farooq from Team Med Sparkle and in this video I am going to talk about decongestant. इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसमें हमने एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को कवर किया था. आज की वीडियो में हम बात करेंगे decongestants के हवाले से. decongestant पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि कंजेस्टन क्या है और किस वजह से कॉज होती है. नेज़ल कंजेस्टन बेसिकली नेज़ल म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से कॉज होती है. इसके अलावा जो एक और फैक्टर है वो है म्यूकस प्रोडक्शन. होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो सेल्स जो हैं वो डिफरेंट मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं. वो मीडिएटर्स जाके नेज़ल म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर वैसोडाइलेशन करवाते हैं और इसके अलावा म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं. अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो हमारी नेज़ल म्यूकोसा का जो वॉल्यूम है जो हमें ब्रीथिंग के लिए रिक्वायर है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन है, दूसरा वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेल हुई हुई हैं, तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है और इसी को हम कहते हैं नेज़ल कंजेस्शन, या फिर हम आसान वर्डिंग में अगर कहें तो नेज़ल ब्लॉकेज. समटाइम्स इट में इंक्लूड रनी नोज एंड समटाइम्स इट में नॉट. अब बात करते हैं व्हाट आर डीकंजेस्टेंट्स. तो वो मेडिसिंस जो हमारी कंजेस्शन को रिलीव करें बाय रिड्यूसिंग स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस फॉर्मेशन, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज डीकंजेस्टेंट्स. ये क्या करती हैं, ये हमारी जो स्वेलन ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर उनको जाकर श्रिंक कर देंगी ताकि कंजेस्शन को जो है वो कम किया जा सके. डीकंजेस्टेंट्स को हम टॉपिकली और ओरली दोनों तरह से अप्लाई करते हैं. डीकंजेस्टेंट कौन सी ड्रग होती हैं, तो ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं, यानी कि अल्फा एगोनिस्ट को हम यूज़ कर रहे होते हैं. सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स वो हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करके उनके इफ़ेक्ट को इन्हेंस करें, इंक्रीज करें या एक्टिवेट करें वहाँ पर रिसेप्टर की एक्टिविटी को, उसको हम कहते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा. यहाँ पर हम बात करेंगे अल्फा रिसेप्टर्स के हवाले से क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ड्रग की वो अल्फा एगोनिस्ट की कर रहे हैं. अच्छा, जो ड्रग्स इन रिसेप्टर्स को जाके, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके इनएक्टिवेट करती हैं उनको हम सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर्स की. तो अल्फा वन पर जब कोई लिगेंड आके बाइंड करता है तो ये प्रोड्यूस करता है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन. इसके अलावा इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. इसके अलावा ये माइड्रिएसिस कॉज करेगा, यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द ब्लैडर. अल्फा टू की बात करें तो ये इनहिबिशन करवाएगा नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ की. इसके अलावा एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा और इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करेगा. लोकेशन की अगर बात करें तो अल्फा वन जो है वो पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोन पर प्रेजेंट होता है. न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, हम सबको पता है, प्री सैनेप्टिक एंड द पोस्ट सैनेप्टिक, और दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको हम कहते हैं साइनेप्स. न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन के वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है, वहाँ से वो रिलीज होकर जो है वो साइनेप्स में आता है और साइनेप्स से जाता है पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन पर जो रिसिप्टर होता है वहाँ पर बाइंड होता है और रिसिप्टर उस बाइंडिंग की वजह से एक्टिवेट होकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अल्फ़ा वन रिसेप्टर जो है वो पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होता है, जबकि अल्फ़ा टू रिसेप्टर जो है वो प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होता है. अल्फ़ा वन पर जो जब भी कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा तो वो ये सारे इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अल्फ़ा टू जो है वो इनहिबिशन करवाएगा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज की. कैसे करवाएगा, जब भी हमारे पास सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो जाके जो प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन पर अल्फा टू रिसेप्टर है वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू अब अल्फा टू जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा और इसी के साथ साथ इनहिबिट कर देगा एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को और इंसुलिन रिलीज़ को. अब बात करते हैं कि सिंपैथोमिमेटिक जो एजेंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं. तो तीन टाइप्स की हैं,
द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स. ये वो टाइप ऑफ ड्रग हैं जो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर जाकर इजीली बाइंड हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी. इनकी जो बाइंडिंग साइट से सिमिलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रक्चरल, जिसकी वजह से वो इजीली जाके वहाँ पे बाइंड हो जाती है और रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो ये वो ड्रग्स हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होंगी, बल्कि ये क्या करेंगी, वेसिकल से नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज़ कराएंगी, इसके रिलीज़ को इंक्रीज़ करेंगी ताकि नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो रिसेप्टर पर बाइंड होकर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे. मिक्स एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स जो हैं वो दोनों तरह से काम करती हैं, मतलब कुछ ड्रग जो है वो जाके रिसेप्टर पर बाइंड भी करेगी और कुछ ड्रग जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगी. इसके साथ साथ जो इसकी इनएक्टिवेशन होती है, यानी कि जो नॉर एपिनेफ्रीन की डिग्रेडेशन है या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म है, री अपटेक है, उसको भी इनहिबिट कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट हो और इजीली जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर सके. अब आते हैं कि रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद रिसेप्टर किस तरह से अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसका मेकेनिज़म क्या होता है. तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं. अल्फा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो लिंक करता है जी क्यू प्रोटीन से. जी क्यू प्रोटीन अल्फा सब यूनिट से अटैच होता है जब यहाँ पर कोई लिगेंड बाइंड होता है, जैसे कि एपिनेफ्रीन है या नॉर एपिनेफ्रीन है, कि यहाँ पर जाके बाइंड करेगा तो जी क्यू एक्टिवेट हो जाएगा. यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देगा अल्फा सब यूनिट को. अल्फा सब यूनिट जाके फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा और फोस्फोलाइपेज सी जो है वो PIP2 को कन्वर्ट कर देगा इनटू IP3, यानी कि फोस्फोटिडाइल इनऑसिटोल बायफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा इनटू IP3 और DAG फॉर्म करेगा, यानी डाई असाइल ग्लिसरॉल. IP3 जो है वो कैल्शियम की कंसनट्रेशन को या इसके लेवल को इंक्रीज कर देगा और इससे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी. अल्फ़ा 2 की बात करें तो ये लिंक करेगा GI यानी इनहिबिटरी जी प्रोटीन से, और यहाँ पे भी अल्फ़ा सब यूनिट अटैच होता है. यहाँ पे अगर कोई एगोनिस्ट बाइंड होगा तो ये कॉज करेगा इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एडेनिलाइल साइक्लेस, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैंप का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और इस डिक्रीज की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी. इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करके वर्डिंग में मैंने लिखा है. अल्फा वन रिसेप्टर्स आर प्री डोमिनेंट प्रेजेंट ऑन वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स. दीज आर लिंक टू जी क्यू प्रोटीन एंड दे कॉजेज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स थ्रू IP3 सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज. वाइल द अल्फा टू रिसेप्टर्स आर कपल्ड टू इनहिबिटरी रेगुलेटरी प्रोटीन GI दैट विल इनहिबिट एडेनिलाइल साइक्लेज एंड कॉजेज कैंप लेवल्स टू डिक्रीज एंड कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन. अब बात करते हैं थेरापीटिक यूजेस ऑफ नेज़ल डीकंजेस्टेंट की. तो बहुत सारी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हमें नेज़ल कंजेस्शन का सिम्टम देखने को मिलता है कॉमनली, तो उसको रिलीव करने के लिए हम डीकंजेस्टेंट को यूज़ करेंगे. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस, हे फीवर एंड अदर एलर्जीज. अब सिंपैथोमिमेटिक्स जो हैं उनको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ राइनोरिया में. इसके अलावा एसोसिएटेड कंजेस्शन जो होती है विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जीज से, उसमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं. लॉन्ग एक्टिंग टॉपिकल एजेंट्स में ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन जो है वो जनरली प्रेफर की जाती हैं, जबकि फिनाइल एफ्रीन भी जो है वो इसके इक्वली इफ़ेक्टिव होती है. टॉपिकल्स को जो है वो हम 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करते ड्यू टू प्रिवेंट रीबाउंड नेज़ल कंजेस्शन, क्योंकि हमें रीबाउंड नेज़ल कंजेस्शन को प्रिवेंट करना होता है. ये क्या होता है, एक कांस्टेंट कंजेस्शन होती है जो डेवलप हो जाती है ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ नेज़ल स्प्रे से, इसको प्रिवेंट करना होता है हमने. ओरली एडमिनिस्टर्ड डीकंजेस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 हम यूज़ कर रहे होते हैं कॉमनली, सूडो एफेड्रीन एंड फिनाइल एफ्रीन. ये OTC प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ की जाती हैं कॉमनली. और सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो हैं उनका ये एडवांटेज है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उनका लॉन्गर होता है, लेकिन जो इंसिडेंस है एडवर्स इफ़ेक्ट्स को कॉज करने का वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है.
अगर हम इंडिविजुअली ड्रग्स को देखें तो फिनाइल एफरीन जो है एक डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग है, जिसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगी। इसके अलावा ये सिलेक्टिव अल्फा वन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मींस कि ये सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर से बाइंड करेगी। इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया को इंड्यूस करती है। डी कंजेस्टन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं टॉपिकली एज वेल एज ओरली, और इसके अलावा हम इसको माइड्रियसिस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। द सेकेंड ड्रग इज़ ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो एक डायरेक्ट एक्टिंग है, बट ये नॉन सिलेक्टिव ड्रग है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दोनों पे बाइंड करेगी। इसके अलावा ये नेजल स्प्रे की प्रिपरेशंस में तो यूज़ की जाती है, इसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में भी यूज़ की जाती है फॉर द रिलीफ ऑफ रेडनेस ऑफ आइज। जो रेडनेस एसोसिएटेड होती है स्विमिंग, कोल्ड या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेस से, उसको रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती है। ये अल्फा रिसेप्टर्स जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड वेसल्स जो नेजल म्यूकोसा और कंजक्टाइवा में प्रेजेंट है, डायरेक्टली उनको जाके स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये कुछ जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि नर्वसनेस, हेडेक एंड ट्रबल इन स्लीपिंग। अब बात करते हैं अपनी लास्ट ड्रग की, विच इज़ सूडो एफेड्रीन। सूडो एफेड्रीन बेसिकली इज़ एन इनेंशियोमर ऑफ एफेड्रीन। एफेड्रीन को जो है वो पहले प्रीवियसली यूज़ किया जाता था फॉर एस्थमा, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है, बट अब बहुत सारी बेहतर मेडिकेशंस जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट पर यूज़ की जाती हैं। तो एफेड्रीन का जो है वो एज सच अब कोई क्लिनिकल इतना यूज़ नहीं है इस हवाले से। एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन जो है वो मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, और ये CNS स्टिमुलेंट्स भी हैं, क्योंकि ये फटीग को रिड्यूस करते हैं, स्लीपिंग को भी जो है वो रिड्यूस करते हैं, और इसके अलावा अलर्टनेस जो है वो कॉज करते हैं। सूडो एफेड्रीन को जो है वो हम ओरली एडमिनिस्टर डी कंजेस्टेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके हवाले से, क्योंकि ये समटाइम्स इलीगली भी यूज़ की जा रही होती हैं। अब आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स ओवरऑल अल्फा एगोनिस्ट के जो देखने को मिलते हैं कॉमनली, उसमें इरिदमियाज है, हेडेक है, इंसोमनिया, नोजिया एंड ट्रेमर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।